हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, देखिए कट ऑफ सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है। आज हम लोग यहाँ पर अजमेर और बिलासपुर के कट ऑफ का एनालाइज करने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कितने फॉर्म भरे गए थे 2018 वाली वैकेंसी में। उस टाइम पर जो परसीट कॉम्पिटिशन था या उस टाइम पर जो कट ऑफ रहा था, उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट की क्वालिटी को थोड़ा सा कंपेयर करके, और 2021 में जो आपका एग्ज़ाम होगा ग्रुप डी का या 22 में अगर होगा, तो उसमें आपका कट ऑफ कितना रह सकता है या फिर क्या सेफ स्कोर मान के आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही देखिए, कल मेरे पास एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम में टेक्स्ट किया था कि सर मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए कि आपके पास पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर बहुत ही आसानी से बचा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा टाइम आपको रिवीजन के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मैं बताने वाला हूँ, उसको सेफ स्कोर मान के आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, 2 महीने में ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की। बिलासपुर में 2018 की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट आई थी 1160 के करीब और फॉर्म भरे गए थे लगभग आप कह सकते हैं कि 6 लाख के करीब यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे। उसके अकॉर्डिंग जो परसीट कंपटीशन लेवल निकल रहा था, तो बहुत ही अच्छा परसीट कंपटीशन यहाँ पर निकल रहा था 492 स्टूडेंट का। लेकिन देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2018 में जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर अप्रॉक्स जो अटेंडेंस रही थी वो 60 और 65 के बीच में रही थी। तो अगर 65% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग परसीट कॉम्पिटिशन निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका 301, यानी कि एक सीट पर 300 स्टूडेंट यहाँ पर एग्जाम दे रहे थे। तो बहुत ही अच्छा खासा कॉम्पिटिशन था बिलासपुर में। और देखिए, यहाँ पर जो आपका कट ऑफ रहा था, ये वाला जो आपका कट ऑफ है, ये पीटी वाला कट ऑफ है, यानी कि इस कट ऑफ पे आपको पीटी के लिए कॉल किया गया था। पीटी का कट ऑफ कितना था, यूआर का 70.22 था, ओबीसी का 66.07 था, एससी का 59.50 था और एसटी का 52.73 था, ठीक है। लेकिन देखिए, ये वाले कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, जो सिलेक्शन होता है वो आपका डीवी वाली कट ऑफ पे होता है, जो पीटी के बाद आपकी सेकेंड कट ऑफ बनती है, उसी पे आपका सिलेक्शन होता है। अब इसका एक्चुअल कट ऑफ तो मुझे नहीं मिल पाया, मैंने काफ़ी सर्च किया, लेकिन यहाँ पर आप जो है 3 से 5 नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यूआर का 70 है तो आप इसको 73 मान के चलिए, लगभग इतना ही यहाँ पर वेरिएशन आता है डीवी के और आपके पीटी के कट ऑफ में। तो आप कह सकते हैं कि यूआर के लिए जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था 2018 में, वो लगभग 73 पर हुआ था। अगर हम ओबीसी का मानते हैं तो 69 पॉइंट समथिंग पर इसका सिलेक्शन हुआ था। एससी में अगर बात करें तो लगभग 62 नंबर, और एसटी में अगर बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं कि 55 नंबर के करीब यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। अब इसके अकॉर्डिंग 2019 वाली वैकेंसी में अगर हम कंपेयर करते हैं तो पोस्ट इस बार है 1664। देखिए, पिछली बार 1100 के समथिंग पोस्ट थी, इस बार 1600, तो थोड़ी सी पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ज़्यादा पोस्ट तो नहीं बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पिछली बार लगभग 6 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे और इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो सिर्फ 2.5 लाख के करीब हैं, यानी कि फॉर्म यहाँ पर आधे हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो परसीट कंपटीशन निकलता है वो काफ़ी लो है। पिछली बार जो एक्चुअल परसीट कंपटीशन था 301 था और इस बार देखिए 157 है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस मैंने यहाँ पर 60% ली है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो NTPC है उसमें 50 से 55 अटेंडेंस रही है, तो इसके अकॉर्डिंग ग्रुप डी में भी इतनी अटेंडेंस रहने की संभावना है। तो लगभग 95 का परसीट कॉम्पिटिशन निकलता है। तो देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्म और नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर देखने में ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन लो रहेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी देखिए कि पिछली बार इतनी अच्छी खासी कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक सेफ स्कोर में बता देता हूँ कि किस सेफ स्कोर पर आपका सिलेक्शन बिलासपुर जोन में हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मैंने मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर लिया है। इससे कम आपका स्कोर कितना भी रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा रहने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मैं आपको एक ऐसा स्कोर देना चाहता हूँ कि अगर वो स्कोर लेकर माइंड में आप एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, तैयारी आप करेंगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। बात करते हैं यूआर में, तो देखिए यूआर का जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका कट ऑफ रह सकता है वो 68 से 70 के बीच में ही कहीं रहेगा। तो 70 टारगेट मानकर अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ओबीसी की बात करूं तो 66 से 68 के बीच में 100% सिलेक्शन होगा। एससी की बात करूं तो 60 से 64, एसटी आपका 50 से 56 और ईडब्ल्यूएस यहां पर 55 से 62 के बीच में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अब ये बाहर वाले जितने भी मार्क्स हैं, इनको टारगेट मान के अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट पैनल में ही आपका नाम आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि कम कट ऑफ पर भी तो सिलेक्शन होता है, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी होगी, 2018 में जिनके मार्क्स कम है उनका सिलेक्शन अब हो रहा है, मतलब कि 2-3 साल बाद आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको अगर पहले ही पैनल में अपना नाम लेकर आना है तो जाहिर सी बात है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने होंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स आपकी यही है, इसे टारगेट मान के तैयारी कीजिए। अगर इतने मार्क्स आते हैं, पहले ही पैनल में आपका नाम आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और चलिए अब बात करते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, या फिर आप कह सकते हैं अजमेर। पिछली बार जयपुर करके वैकेंसी आई थी, इस बार अजमेर करके है। 2018 की बात करें तो पोस्ट थी यहाँ पर 4,755,
काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पर पोस्ट आई थी, फॉर्म भरे गए थे 14 लाख। देखिए मैं आपको बता दूँ, जो आपका ये जयपुर वाला जोन है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टूडेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। कट ऑफ यहाँ पर चाहे रेलवे के किसी एग्जाम की बात करें अच्छा खासा कट ऑफ रहता है, यानी कि हॉट जोन में रहता है ये आपका, और पिछली बार भी ये काफ़ी हॉट जोन में था, बहुत अच्छी खासी कट ऑफ रही थी यहाँ पर 76 के करीब यहाँ पर फाइनल कट ऑफ रही थी। और इस बार भी देखिए मैं आपको बता दूँ, जो परसीट कॉम्पिटिशन की लिस्ट में है तो ये काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो देखिए पिछली बार की अगर परसीट की बात करें तो 296 का परसीट कॉम्पिटिशन था, लेकिन इसको एक्चुअल जब निकालते हैं 65% अटेंडेंस के अकॉर्डिंग तो ये आपका 192 का बन गया था, यानी कि एक सीट पर 192 कैंडिडेट्स यहाँ पर फाइट कर रहे थे। लेकिन फिर भी देखिए, क्योंकि स्टूडेंट की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी होती है, जयपुर बोर्ड से काफ़ी सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो कट ऑफ यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रहा था। यूआर का कट ऑफ यहाँ पर जो पीटी के लिए था, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ जो था वो 73.73 था, ओबीसी का 70.10 था, एससी का 63.37 था और एसटी का 60.29 था। और उसके बाद यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि जो डीवी का कट ऑफ यहाँ बना था वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, 76.73 यहाँ पर कट ऑफ था यूआर कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ, यानी कि फाइनल सिलेक्शन 76 नंबर पर हुआ था यूआर कैटेगरी में। ओबीसी में देखिए 74 नंबर, यानी कि 4 नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज हुए थे। एससी में आप कह सकते हैं 3 नंबर इंक्रीज होकर 66 पे गया था और एसटी में भी लगभग 6 नंबर इंक्रीज हुए थे। तो ये था आपका फाइनल कट ऑफ 2018 का। यहाँ से हमें ये तो पता लगता है कि स्टूडेंट की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस बार की अगर बात करते हैं तो पोस्ट यहाँ पर है 5,249, यानी कि पहले से पोस्ट थोड़ी सी बड़ी है। फॉर्म की अगर बात करें, पिछली बार 14 लाख फॉर्म थे, इस बार लगभग कह सकते हैं कि आप 9 लाख के करीब फॉर्म है, और इसको अगर अप्रॉक्स लेते हैं तो 8 लाख के समथिंग आप इसको मान सकते हैं, यानी कि कंपटीशन इस बार यहाँ पर टफ रहेगा, अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट की क्वालिटी भी अच्छी है, नंबर ऑफ फॉर्म भी अच्छे अप्लाई हुए हैं। परसीट कंपटीशन 168 का निकलता है, लेकिन जैसे कि अटेंडेंस के अकॉर्डिंग मैं 60% लेके चल रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा एनटीपीसी में भी कम रही है तो ग्रुप डी में भी कम रहने की संभावना है। उसके बाद भी एक सीट पर 100 स्टूडेंट यहाँ पर फाइट करेंगे, और ये जो 100 स्टूडेंट है क्वालिटी वाले स्टूडेंट है, तो कट ऑफ यहाँ पर अच्छा जाएगा। तो एक सेफ स्कोर के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसको माइंड में रख के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सेफ स्कोर की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए ये वाले जो मैं आपको मार्क्स यहाँ पर बताता हूँ ये फाइनल मार्क्स हैं, यानी कि आपके डीवी वाली कट ऑफ है, इतने मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो फर्स्ट पैनल में ही आपका सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे। यूआर की बात करूँ तो 72 से 74 के बीच में यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ पर कट ऑफ रह सकता है, यानी कि सेफ स्कोर आप 74 मान के प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद चाहे कम भी आ जाए, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये मैक्सिमम मार्क्स है, इससे कम भी अगर आपके आ जाते हैं तो सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। ओबीसी की बात करें तो 70 से 72 के बीच में, एससी 60 से 64 के बीच में, एसटी 58 से 62 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस आपका 58 से 62 के बीच में, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि ईडब्ल्यूएस यहाँ पर एसटी के इक्वल क्यों है, क्योंकि देखिए ईडब्ल्यूएस में जो फॉर्म भरे गए, मेरे पास एक आरटीआई थी, उस आरटीआई बताया गया कि बहुत ही कम फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कम ही लिया है। बाकी आप इसको चाहे तो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग जो है इसको 64 तक मान सकते हैं, ठीक है। 58 से 64 तक के बीच में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेफ स्कोर रहेगा यहाँ पर आपका जो अजमेर या फिर जयपुर जोन है। बाकी इसके बाद जितने भी जोन बचे हुए हैं उनकी वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इनको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब पर आप लोगों ने कट ऑफ के एनालिसिस बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं मैक्सिमम कट ऑफ लेकर चलता हूँ, यहाँ पर मैं कैंडिडेट की क्वालिटी को भी कंपेयर करता हूँ, साथ ही यहाँ पर मैं जो आपको कट ऑफ बताता हूँ वो डीवी के लिए कट ऑफ बताता हूँ, जबकि यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो सभी आपको पीटी वाला कट ऑफ बताते हैं, लेकिन उस पर सिलेक्शन नहीं होता है, तो ये बात आपको माइंड में रखनी है। बाकी अगर आप ऐसी हेल्पफुल वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।